इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम 2023 में काम कैसे करता है? अगर आपको ज्यादा फॉलोअर्स और हाई एंगेजमेंट चाहिए तो आपको एल्गोरिदम को मास्टर करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं मेरी 2023 की इंस्टाग्राम की ग्रोथ स्ट्रेटेजी को रिवील करूंगा बाय एक्सप्लेनिंग द एल्गोरिदम इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नए हो तो मेरा नाम सनी है और मैं एक ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ बेस्ड इन इंडिया। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बिफोर वी गेट इनटू दिस, इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि मैं 8 साल से इंस्टाग्राम पे एक्टिवली पोस्ट कर रहा हूँ और मैंने 2000 से ज्यादा पोस्ट किए। मैंने इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को चेंज होते हुए देखा है फ्रॉम क्रोनोलॉजिकल फीड टू द करंट रैंकिंग सिस्टम। मैंने भी इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के वजह से सफर किया है इन द पास्ट और मुझे अब बेनिफिट भी हुआ है इन द लास्ट 6 मंथ्स। किसी को नहीं पता कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम क्या है, बिकॉज इंस्टाग्राम खुद तो बताएगा नहीं, सब अपने अजम्पशन लेके चल रहे हैं। इस वीडियो में मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च से इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को इन डेप्थ समझाऊंगा एंड गिव यू एक्शनेबल टिप्स टू मेक द एल्गोरिदम वर्क फॉर यू। अगर ये सब आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मुझे एक फेवर करो, ड्रॉप अ लाइक डाउन बिलो, दैट हेल्प्स द यूट्यूब एल्गोरिदम। ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपका माइंड ब्लो करने वाला है और मैं आपको विजुअली एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल, तो ये वीडियो एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी ग्रोथ स्ट्रेटेजी को समझने के लिए पहले हमको इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा। एक बार आपको एल्गोरिदम समझ गया, आपको इस गेम के रूल्स पता चल जाएंगे और फिर आप इस गेम को अच्छे से खेल पाओगे। इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम का एक ही गोल है, टू मेक यू स्टे ऑन द ऐप लॉन्गर बाय डिलीवरिंग कॉन्टेंट यू विल फाइंड रेलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग। ये एक सेट ऑफ रूल्स है जो कॉन्टेंट को रैंक करता है प्लेटफॉर्म पे। ये डिसाइड करता है कि कौन सा कॉन्टेंट किसको दिखेगा और कहाँ पे दिखेगा, यूजर के फीड में, एक्सप्लोर पेज में, रील्स के टैब में या फिर हैशटैग पेजेस। अब जो भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो, आपका सारा कंटेंट ही एल्गोरिदम एनालाइज करता है। मैं आपके लिए इसको सिंपलीफाई करता हूँ। रिपोर्टेडली इंस्टाग्राम 3 चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, रिसेंसी, इंटरेस्ट और रिलेशनशिप। ये मैं आपको 1 by 1 डिटेल में समझाता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट रिसेंसी। इंस्टाग्राम पे न्यू कॉन्टेंट को ज्यादा वेटेज मिलता है एज अपोज टू ओल्ड कॉन्टेंट, बिकॉज इंस्टाग्राम यूट्यूब जैसा सर्च इंजिन नहीं है। यूट्यूब पे 3 साल पहले भी अपलोड किया वो वीडियो आप देख सकते हो सर्च करके। ये चीज इंस्टाग्राम पे पॉसिबल नहीं है। इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट की एवरेज शेल्फ लाइफ इज लेस देन 24 आवर्स, तो इसका मतलब ये है कि आपको फ्रीक्वेंटली पोस्ट करना पड़ेगा टू इंक्रीज योर रीच एंड एंगेजमेंट ऑन इंस्टाग्राम। ओके, तो कितना फ्रीक्वेंट अपलोड करना चाहिए? आई वुड रेकमेंड अपलोड डेली बट अल्टरनेट कंटेंट पीसेस। कंटेंट पीसेस मतलब सिंगल पोस्ट, कैरोसेल पोस्ट और रील्स। आप दो सेम कंटेंट पीसेस को एक दिन में अपलोड मत करो या फिर बैक टू बैक अपलोड मत करो, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मेरे पेज में रील्स का ग्रोथ दिखने में 3 से 4 दिन लग जाता है, कभी कभी उससे ज्यादा भी लगता है। तो मुझे मेरे रील को एटलीस्ट एक दिन तो देना पड़ेगा फॉर एल्गोरिदम टू पुश इट टू द न्यूअर ऑडियंस बिफोर अपलोडिंग अनदर रील। आप स्टार्टिंग में क्वांटिटी पे फोकस करो, बाद में आप कंसिस्टेंटली डेली अपलोड करोगे तो आपके कंटेंट में क्वालिटी भी आ जाएगी। सो मेरी ग्रोथ स्ट्रेटेजी में मैं डेली अपलोड करूंगा अ कॉम्बिनेशन ऑफ रील्स एंड कैरोसेल पोस्ट। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एल्गोरिदम, दैट इज इंटरेस्ट। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपके इंटरेस्ट को प्रेडिक्ट करने का ट्राई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुंबई इंडियंस को फॉलो करते हो और उनके कॉन्टेंट के साथ एंगेज करते हो तो इंस्टाग्राम आपको दूसरे IPL टीम्स भी दिखाएगा, या फिर इंस्टाग्राम आपको क्रिकेट या फिर दूसरे स्पोर्ट्स रिलेटेड कॉन्टेंट भी दिखाएगा। अगर आप उनके सजेशंस को पसंद करते हो और उसके साथ एंगेज करते हो तो वो और ऐसे कंटेंट आपके सामने लाएगा, और अगर आपको वो कंटेंट नहीं पसंद आ रहा है तो वो दूसरा कंटेंट आपके सामने लाएगा टू कीप यू एंगेज्ड। सिंपली बताऊं तो एल्गोरिदम ट्राई करता है टू शो राइट कंटेंट टू द राइट पीपल। दैट मींस आपको कंसिस्टेंटली आपके नीश के टॉपिक्स पे कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा, सो दैट इंस्टाग्राम कैन प्रेडिक्ट योर एंगेजमेंट और वो आपका कंटेंट और सिमिलर इंटरेस्टेड ऑडियंस को दिखाएगा। अगर आपको अपना नीश नहीं पता है तो इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करो और चेक करो आपको कौन सा टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है। आपका नीश आपका इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस से आना चाहिए। सो मेरी ग्रोथ स्ट्रेटेजी में मैं कंसिस्टेंटली मेरी नीश दैट इज ट्रैवल एंड फोटोग्राफी उस पे कंटेंट अपलोड करूंगा। अगर मेरी ऑडियंस को मेरा ट्रैवल कंटेंट पसंद है और मैं सडनली कुछ और अपलोड कर दूं, फॉर एग्जांपल फैशन पोर्ट्रेट, तो वो पोस्ट में बहुत कम एंगेजमेंट आएगा बिकॉज इंस्टाग्राम आगे पुश ही नहीं करेगा। इसलिए आपको कंसिस्टेंटली अपलोड करना पड़ेगा आपके नीश में टू ग्रो योर टारगेट ऑडियंस। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एल्गोरिदम इज रिलेशनशिप। इंटरेक्शन एक स्ट्रॉन्ग रैंकिंग फैक्टर है इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम का। इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स, कॉमेंट्स, शेयर एंड सेव्स। आपके पोस्ट में जितना ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स ला सकते हो विद इन द फर्स्ट फ्यू सेकंड्स ऑफ अपलोडिंग, उतना एल्गोरिदम आपके कंटेंट को और लोगों को पुश करेगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कंटेंट तभी अपलोड करना है जब भी आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव हो और वो आपके पोस्ट पे मोस्ट लाइकली इंटरेक्ट करेगी, नहीं तो तुम्हारा पोस्ट दब जाएगा इतने सारे कंटेंट के बीच में जिनको आपसे ज्यादा एंगेजमेंट मिल रहा है। एडम मोसरी ने ये कहा है, द मोर लाइकली यू आर टू टेक एन एक्शन, द मोर हेविली वी वे दैट एक्शन, द हायर अप यू विल सी दैट पोस्ट। आपके इनसाइट्स में
में आप चेक कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस कभी सबसे ज्यादा एक्टिव है और आप तभी पोस्ट करो। आपका कंटेंट जितना शेयरेबल और सेवेबल होगा उतना आपका रीच और एंगेजमेंट बढ़ेगा। आप अपने कैप्शन में ओपनली लिख सकते हो इफ यू लाइक द पोस्ट डू शेयर एंड सेव। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ कि अभी तक आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो। आपके कॉन्टेंट में टेक्स्ट ऐड करो टू मेक इट मोर शेयरेबल, वो फिर चाहे कैरोसेल पोस्ट हो या फिर रील्स हो। मैंने जब भी मेरे कॉन्टेंट में टेक्स्ट डाला है उसका एंगेजमेंट बहुत बढ़ गया। टेक्स्ट में आप कोट्स, पोएम्स, ट्यूटोरियल्स या फिर आपके कंटेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। आप लाइक माइंडेड क्रिएटर्स के कंटेंट पे एंगेज करो और एक कम्युनिटी बनाओ। आप उनको शाउट आउट दो अपने स्टोरीज में। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि उनको आपका कंटेंट पसंद आए और वो आपको शाउट आउट दे उनके स्टोरीज में। आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेरे कमेंट्स में लिखो, मैं कोई भी 5 इंस्टाग्राम अकाउंट को शाउट आउट दूंगा मेरे स्टोरीज में। जब भी मैं पोस्ट करता हूँ उसके बाद 15 मिनट मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ। हर कमेंट पे मैं रिप्लाई करता हूँ और दूसरे क्रिएटर्स के पोस्ट पे एंगेज करता हूँ। इससे आपका इंस्टेंटली इंटरेक्शंस बढ़ेंगे और वो एल्गोरिदम को ट्रिगर करेगा। मेरी 2023 की ग्रोथ स्ट्रेटजी में मैं जब भी पोस्ट करूँ आई मेक श्योर कि वो हाईली शेयरेबल और सेवेबल हो, जिससे मेरे पोस्ट का एंगेजमेंट बढ़ जाए। अब मैं आपको विजुअली रिवील करता हूँ मेरी इंस्टाग्राम की ग्रोथ स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, रिसेंसी, इंटरेस्ट और रिलेशनशिप। इंस्टाग्राम फोकस करता है न्यू कॉन्टेंट में, दैट मीन्स मैं ज्यादा पोस्ट करूंगा रेगुलरली। डेली अपलोड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रील्स एंड कैरोसेल पोस्ट। सेकंड, एल्गोरिदम का मेन एम है टू शो द राइट कंटेंट टू राइट पीपल। इसका मतलब मैं कंसिस्टेंटली नीश टॉपिक्स पे कंटेंट अपलोड करूंगा फॉर प्रेडिक्टेबल ग्रोथ। थर्ड फैक्टर रिलेशनशिप है, जिसका मतलब इंटरेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ DMs, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स एंड सेव्स। मैं हाईली शेयरेबल और सेवेबल पोस्ट को अपलोड करूंगा और बाकी क्रिएटर्स के साथ एंगेज करूंगा। आप ये स्ट्रेटेजी को जरूर ट्राई करिए बिकॉज इट्स वर्थ अ शॉट। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी। आप मेरे काम को देख सकते हो ऑन इंस्टाग्राम @worthashot। अगर आपको 90 डेज में 10,000 फॉलोअर्स गेन करना हो तो वॉच दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।